डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे अभी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बस इंक्यूबेटर में हीट की वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने उनसे कहा है कि कुछ एडिशनल टेस्ट करने के लिए, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट नाउ। सर आपको डॉक्टर बुला रहे। ओके मैं आता हूँ सर। मम्मी जी मैंने आपके लिए कुछ लाया, आई होप आपको पसंद आए। मेरे लिए? सिर्फ आप देखिए, आप प्लीज मना मत कीजिए वरना आप मुझे बुरा लगता है और पुन्नी को भी। अरे नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए, आपको बुरा लगेगा बस इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये इतना महंगा है ना, मैं इसे अभी अलमारी में रखकर आती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपना आज के सिग्नेचर्स ले आओ, जाओ जाओ कम ऑन। ये कोई बहाना हुआ काम नहीं करने का? सिर्फ आज के सिग्नेचर्स ही तो चाहिए। देखो पुण्य मुझे उनके सिग्नेचर्स चाहिए एनी हाउ, अगर उसके लिए तुम्हें यहाँ रात भर रुकना पड़े तो रुको, आई डोंट केयर। आप जानते हैं ना पूर्वी की हालत कितनी खराब है, आज ही 24 घंटे उसके साथ ही रहेंगी। क्यों उन्हें रहना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर आजी को क्या जरूरत है? तो मैं आपसे कह रही हूँ ऑनर यहाँ आया ही नहीं, वो अभी भी पूना में ही है। क्यों क्यों नहीं आया? आई मीन उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो उसे यहाँ अकेला छोड़ के कर क्या रहा है वहाँ पे? देखिए वो क्यों नहीं आया और पूना में क्यों है ये सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फिलहाल मैं आपका काम बस। एक काम नहीं कर सकते तुम, मैं अर्जेंट फोन करके आता हूं। हाँ मित्तल बोलो। पुन्नी की सारी फैमिली मुंबई वापस आ गई लेकिन वो ओनर अब तक वहीं। पुणे में किस लिए? वो मुझे पता नहीं बट आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। मुझे लगता है कि मुझे ही वहां जाकर सारी बातों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। ठीक है तो एक काम करो आप जाओ वहां पे, हाँ लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करना। ऑलराइट यस ओके थैंक यू। अरे सर आप यहाँ? एक्चुअली मुझे डॉक्टर ओनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब से डिस्पेंसरी में आए हैं कहाँ कहाँ गए हैं किस किस से मिले हैं क्या किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। लेकिन ये सब मैं कैसे सर? डॉक्टर तुम्हारे पास पिछले 3 दिन की सीसीटीवी की कवरेज होगी ना? बिल्कुल सर। अभी के अभी इसी वक्त मुझे चाहिए। ओके सर। व्हाट? हाँ मित्तल हो ना हो इस ओनी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो वहां कर क्या रहा था? लेकिन ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके चेहरे पर एक प्रकार का डर और एक तरह की बेचैनी थी। ओनी के जितने भी फुटेज है वो सारी की सारी फुटेज लेके तुम यहाँ मुंबई आ जाओ और डॉक्टर कुंदन एक बात का ध्यान रहे ओनर अभी भी वहीं पे है। ओके जस्ट बी केयरफुल वो तुम्हें देख ना ले। ओके यस आई विल टेक केयर। उन्हें अब ज्यादा वक्त जाया मत कर, इससे पहले कि बाबा को इस बारे में कोई भी भनक लगे इस फाइल पर राजी की साइन करवा ले। लेकिन मैं ये करूँ कैसे? राजी की साइन लेना इतना आसान काम है ही नहीं।